हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका दोबारा से। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं फ्रेंड्स। ये लार्ज ब्रीड पे आज हम बात करेंगे। आज हमारा जो लार्ज ब्रीड के टॉपिक है वो हमारा सेंट बर्नार्ड पे है फ्रेंड्स। बहुत पॉपुलर ब्रीड है, लार्ज साइज ब्रीड है और बहुत ही दमदार ब्रीड है। ये एक वॉच डॉग है बेसिकली और स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती है ये ब्रीड, वहां की नेटिव ब्रीड है। इस डॉग को कहा जाता था डॉग्स ऑफ ग्रीनलैंड इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की ब्रीड है फ्रेंड्स ये, और थोड़ी हेवी ब्रीड है। तो आइए आपको इसके बारे में दिखाते हैं, डॉग दिखाते हैं हमारा क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। और अगर आपने हमारी और वीडियोस नहीं देखी तो हमारा चैनल दो पे हमारे और ब्रीड्स पे इन्फॉर्मेशन है। अलग अलग ब्रीड्स हम कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। समोई पे है, रॉटलर पे है, चाउचाओ पे है, अकीता पे है। पॉपुलर न्यू ब्रीड्स में थोड़ा हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है आज हमारा गेस्ट द सेंट बर्नार्ड पपी। मेल पपी है फ्रेंड्स ये। क्वालिटी वैसे कहने की इतनी जरूरत नहीं है, चीज ही दिख रही है क्या है, मेरे से हाथ में पकड़ा भी नहीं जा रहा एक्चुअली। पपी साइज इतना, पपी का पपी के पॉज दे सकते हैं, हेड साइज फुल, ईयर्स की लेंथ एक्चुअली थोड़ा सा पपी को साइज में कुछ अच्छा क्वालिटी है तो फ्रेंड्स थोड़ी सी चीज देखने में समझने में दिखती है। बातों से कोई बातें नहीं बनती, चीज दिखाओगे तो वो मैच भी करती है आपकी बातों से, है ना। ये है डॉग की एंगुलेशन, फुल स्टैक, इंडियन चैंपियन ब्रावो का डायरेक्ट सन है ये पपी, इंपोर्टेड लाइन विद केसीआई, शो क्वालिटी पपी है। बॉडी वेट इसका अराउंड होगा कुछ 8-10 kg, जेन्युइन जो होगा कहने के लिए लोग पपी का 15-20 kg बोल देते हैं, जेन्युइन जो बॉडी वेट है वो बताएंगे, है ना। और फ्रेंड्स ये क्वालिटी है आपके सामने, मेल पपी सेंट बर्नार्ड, पॉश डॉग है, बहुत अच्छे बड़ी साइज ब्रीड है ये, जिनके पास अच्छी स्पेसिंग है, बड़ा इंडिपेंडेंट हाउस है, उनके लिए बहुत अच्छी चॉइस रहती है। वॉच डॉग बहुत बढ़िया है, इंटेलिजेंट ब्रीड है और अच्छी गार्ड ब्रीड है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गार्ड ब्रीड है ये और बहुत दमदार लुक में। बात करें इनकी मेंटेनेंस की तो मेंटेनेंस लार्ज ब्रीड है, मेंटेनेंस थोड़ी मीडियम साइज ब्रीड से ज्यादा है। ग्रूमिंग चाहिए, हेयर्स अच्छे हैं इस ब्रीड में, वैसे शॉर्ट कोट भी आता है बट उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, वैल्यू इन द सेंस उनकी क्वालिटी अलग होती है तो उनकी प्राइसिंग इनसे थोड़ा अप होती है। बच्चों के साथ बहुत बहुत फ्रेंडली ब्रीड है, ऐसा नहीं है आप इसके साइज पे इसके लुक पे मत जाइए, बहुत ही फ्रेंडली ब्रीड है बच्चों के साथ, बहुत ही लविंग फैमिली ब्रीड है ये। और जो बंदे थोड़ी बड़ी ब्रीड में जाना चाहते हैं और अच्छी स्पेसिंग है, अच्छी डाइट वगैरह पूरा कोई इशू नहीं है तो वो इस डॉग को ले सकते हैं, बट जिनके पास स्पेस अपार्टमेंट टाइप है प्लीज वो इस ब्रीड को ना लें, क्योंकि आपके डॉग को भी दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी। और जो बंदा अच्छा मेंटेनेंस जिस डॉग को दे सकता है, अगर आप कोई डॉग लेना चाहते हैं आप पहले अपना देखिए कि आप किस टाइप का आपका एरिया, मतलब किस टाइप का आपका रेसिडेंस है और उसके अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट ब्रीड आपको सूट करेगी, जो इजिली आप मेंटेन भी कर पाए, जिसके अकॉर्डिंग आपके एरिया में स्पेसिंग भी अच्छी हो और जिसको आप टाइम भी दे पाए, प्रॉपर वॉक दे पाए मॉर्निंग और इवनिंग एटलीस्ट, और जिससे डॉग भी अच्छी कंडीशनिंग में रहे और आपको रखने में भी अच्छा लगे। डॉग अगर फ्रेंड रख रहे हैं अच्छी केयर से रखिए, ताकि ऐसा ना हो, क्योंकि ये भी लिविंग है हमारी तरह, हम जैसे हम इंसान हैं, ये भी काफी समझदार बहुत ही अक्लमंद होते हैं, इनको भी प्यार चाहिए, लविंग नेचर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे, इनको किसी चीज का लालच नहीं है इनको, तो इनको जो भी ब्रीड लेने हैं, किसी भी टाइप की ब्रीड ले रहे हैं तो एक बार स्टडी कीजिए उस ब्रीड को कि वो क्या नेचर है, क्या स्पेसिंग मांगती है, क्या डाइट है, उसके अकॉर्डिंग अपना अपने से एडजस्ट करके अगर सुटेबल बैठ रहा है तभी वो ब्रीड लीजिए, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, आपके डॉग रखने में भी दिक्कत ना हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज ये पपी हमारा जो है ये हमारे क्लाइंट हैं मिस्टर संजय पी तमिलनाडु से, उनके लिए ये पपी है। तो आज ये पपी जाना है तमिलनाडु और इसकी आगे की जर्नी दिखाएंगे, कैसे पपी हम भेजते हैं, जैसे हम दिखाते हैं हर भाई। तो ये आपका सेंट बर्नार्ड मेल पपी, चैंपियन ब्रीड लाइन, शो क्वालिटी में, फुल स्टैक, फुल क्वालिटी में आपके लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।
हमारी और अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हम और भी नई वीडियोस लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्दी, रेडी है सब कुछ आपके लिए। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।